वेलकम टू स्मार्ट कार्ट। स्मार्ट कार्ट में आज जो मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ वो एक प्रोडक्ट नहीं है, आज मैं अनबॉक्स करूंगा टोटल 6 प्रोडक्ट। जी हाँ, मैंने मंगाए हुए टोटल 6 प्रोडक्ट्स और ये 6 के 6 प्रोडक्ट्स होम डेकोर आइटम्स हैं। अगर आप भी अपने घर को सजाना चाहते हैं तो ये सारे आइटम्स आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए मैं अपना पहला प्रोडक्ट दिखाता हूँ। मेरा पहला प्रोडक्ट है ये एक आर्टिफिशियल प्लांट। जी हाँ, अगर आप भी प्लांट्स के शौकीन हैं तो आप अपने घर में एक आर्टिफिशियल प्लांट मंगा सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस भी नहीं होती और काफ़ी कम दाम में आता है। दूसरा, अगर आपको बोनसाई प्लांट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं तो आप आर्टिफिशियल बोनसाई के लिए जाइए, क्योंकि इसके आप मेंटेनेंस भी नहीं है, ये आपको कम दाम में भी मिल जाता है। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल एक नेचुरल बोनसाई मंगाते तो काफ़ी कॉस्टली भी होता है, उसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई होती है। देखिए काफ़ी नेचुरल लग रहा है बोनसाई, आप एक बार दूर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसकी हाइट लगभग 18 इंच की है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, मैंने 3 भित्ते नापे हुए हैं इसके, तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये दोनों प्लांट्स। चलिए एक अगला जो मेरा प्रोडक्ट है वो है प्लांटर। ये आपको बिल्कुल ये भी आर्टिफिशियल लग रहा होगा, बट इसका प्लांटर जो है वो तो सिरेमिक का बना हुआ है, बट इसमें जो पेड़ लगाए हुए हैं वो मैंने अपने घर से मनी प्लांट्स की डाल को तोड़ के लगाया हुआ है। आप भी इसकी जगह पे एलोवेरा लगा सकते हैं, या फिर चाहे आप और भी सपोर्ट प्लांट्स उगाते हैं वो लगा सकते हैं। अगला प्रोडक्ट मैंने मंगाया है ये बर्ड नेस्ट हैंगिंग। जी हाँ, ये मैंने हैंगिंग्स मंगाई है, मुझे काफ़ी प्यारी लग रही थी। ये है बर्ड नेस्ट हैंगिंग, 2 बर्ड्स इसमें नेस्ट में बैठी हुई हैं और 3 बर्ड्स इसमें नीचे हैंग कर रही हैं। ये काफ़ी प्यारी लग रही है, सच बताओ तो मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट ये लगा है, बट मुझे ये जरूर सोचना पड़ रहा है कि मैं इनको हैंग कहाँ पर करूँ। तो फिलहाल तो मेरे मन में एक आइडिया आया हुआ है, तो मैं आपको अभी दिखा दूँगा मैंने कहाँ हैंग किया। तो देखिए पहले आप प्यार से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ध्यान से देखिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, अभी अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनको ऑफलाइन मार्केट्स में भी मिलती हैं, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैंने अपना जो जहाँ से मंगा मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप इनको मंगाते हैं और अपने घर में कहीं लगाते हैं तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कि आपने कहाँ पर लगाया और कौन सा आइडिया ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए भी। मैंने लगाया है इनको कर्टन्स के किनारे, चलिए मैं टांग के दिखाता हूँ आपको। मैंने कर्टन्स के किनारे इनको लगा दिया है इस तरह से, मुझे कोई कील की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने आराम से इनको लगा दिया और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे भी। अगला प्रोडक्ट मैंने जो मंगाया है वो है मेरी वॉल पेंटिंग्स। जी हाँ, ये आती हैं 3 का सेट, देखिए 1, 2 और ये 3, तीनों पेंटिंग्स जो कलर है वो एक दूसरे से मैच करता है, कंट्रास्ट कलर बनाया गया हो इनका। इसकी जो हाइट है वो 18 इंच है और जो चौड़ाई है वो 6 इंच की है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इनको मंगाया। कलर की बात करें तो कलर काफ़ी अच्छा है इसका, मैंने इसको केवल मंगाया है 199 रुपये में और मुझे नहीं लगता कि 199 रुपये में इससे अच्छी पेंटिंग्स कोई भी हो सकती हैं। अगर आपको भी ये पेंटिंग अच्छी लगी तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये अगली पेंटिंग्स मैंने मंगाई है राधा कृष्ण की। ये मेरी एक दीवार है पीछे कमरे की जो वो लाइट ब्लू कलर में है, तो मैंने उसके हिसाब से ये कलर का मंगाया हुआ है। इसमें पीछे लगे होते हैं डबल साइडेड टेप जिनकी मैं ऊपर की स्ट्रिप निकाल देता हूँ और ये अब रेडी हो जाती है दीवार में चिपकने के लिए। तो इसी तरीके से मैंने प्रीवियस पेंटिंग्स को भी चिपकाया हुआ था, तो सिमिलरली इनको भी आप चिपका सकते हैं इस पैटर्न पर। अगर आपको कोई दूसरा पैटर्न अच्छा लग रहा है तो आप उस पैटर्न पर भी लगा सकते हैं। तो फाइनली मेरे घर का जो होम डेकोर है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप चाहते हैं मैं और भी ऐसे होम डेकोर आइटम्स लेके आऊँ आपके लिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।